सपना चौधरी के गानों पर ठुमके लग रहे हैं, एक दूसरे को नचाया जा रहा है, तालियां बजाकर चीयर भी किया जा रहा है, कुल मिलाकर फुल एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। लेकिन खुद का और वहां मौजूद सभी महिलाओं का, इंटरटेनमेंट करने वाली इन दो महिलाओं को ठुमका लगाना महंगा पड़ गया, क्योंकि उनका ठुमका देख पूरा शिक्षा विभाग हिल गया था। जी हाँ, ये मौज मस्ती किसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि आगरा जिले के अचनेरा ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय में चल रही थी और डांस करने वाली महिलाएं उसी विद्यालय की शिक्षिकाएं हैं। दरअसल बात बीते बुधवार की है, स्कूल में बच्चे नहीं आए जिसके चलते शिक्षिकाओं को मौज मस्ती करने की सूझी और स्कूल के एक कमरे में चलने लगा डिस्को। डिस्को में डांस तो सबने किया लेकिन सहायक अध्यापिका जीविका कुमारी और रश्मि सिसोदिया ने तो गदर मचा दिया। पहले तो सपना चौधरी के गजबन पानी सॉन्ग पर कमर लचका कर नाची और उसके बाद सलमान खान के गाने जय मैनू यार ना मिले तो मर जावा पर वहां मौजूद सभी को नचवा दिया। लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ हो गई, किसी ने इन ठुमकों को देख बार बार अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए क्लब डांस का पूरा वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद डांस करने वाली शिक्षिकाओं की क्लास लगनी शुरू हो गई। शिक्षा विभाग से जुड़े लोग इस डांस की निंदा करने लगे, जिसके बाद बीएसए ब्रजराज सिंह ने वहां मौजूद सभी पर रहम दिखाते हुए जीविका कुमारी और रश्मि सिसोदिया से ठुमके लगाने का कारण पूछ लिया। बीएसए का कहना है कि अगर दो दिन के अंदर संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला तो एक्शन लिया जाएगा। डांस एक बवाल बन चुका है, डांस करना कोई बुरी बात नहीं, सभी को करने का अधिकार है, लेकिन शिक्षिकाओं ने ऑन ड्यूटी और वो भी बिना किसी कार्यक्रम के क्लास में डांस किया, जिसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कोई उनकी सैलरी पर सवाल उठा रहा है तो कोई उन पर बच्चों का भविष्य खराब करने का आरोप मढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।